आठ देखिए, कह रहा है कि वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु पी 2, -3 और क्यू 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, चलिए तो एक बिंदु P दिया है जिसका निर्देशांक है आपके पास 2, -3 और एक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं Q है जिसका निर्देशांक है 10, y। अच्छा, इन दोनों के बीच की दूरी हमारे पास दिया है 10 मात्रक, तो एक काम करिए ना, पहले इन दोनों को मिला दीजिए इस तरह से। ठीक है, चलिए अब आपको पता है यहाँ दूरी सूत्र के बारे में, तो यहाँ दूरी सूत्र भी लिख लेते हैं, उसके बाद इसको बनाते हैं। ठीक है, दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र में आप जानते हैं ना, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि P से Q की दूरी यानी PQ बराबर दिया है 10 मात्रक, 10 मात्रक ये दिया है। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर बराबर में 10 का स्क्वायर। अच्छा, पी क्यू स्क्वायर तो आप दूरी निकाल लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या देंगे, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस y - -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ये ना होगा y माइनस, एक फॉर्मूले का माइनस आया है वो, और एक इसका माइनस, इसलिए यहाँ डबल माइनस लगा है, और बराबर में क्या 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा। समझ गए, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ भी रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए घटेगा तो 8 हो जाएगा ना, 8 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा वाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर बराबर में 100। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 8 का स्क्वायर क्या लेंगे, 64। ठीक है, और प्लस यहाँ देखिए तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो y² + 2 × y × 3 और प्लस में 3 का स्क्वायर, और इसको भी इधर ही लाते हैं, -100 = 0। अब इसको आगे सॉल्व करिए, तो आगे सॉल्व करिए, तो यहाँ देखिए पहले y² को लिख लीजिए प्लस इसको गुणा करिएगा तो 6y। अच्छा, यहाँ देखिए 64 दिया, 3 का स्क्वायर 9, 64 और 9 जोड़ के ही लिख देते हैं, तो आपका आ जाएगा 73 ना, और माइनस में 100 बराबर में 0, यहाँ ये घट जाएगा, तो y² + 6y और -27 हो जाएगा ये बराबर में 0। ठीक है, चलिए अब इसको फैक्टर करना होगा ना, तो y² + 9y - 3y - 27 = 0। देखिए 9 में से 3 जाएगा आपका, 6y आ जाएगा, गुना हुआ तो इन दोनों के गुना के बराबर आ जाएगा। y कॉमन करिए, y + 9 और यहाँ पे -3 कॉमन होगा, y + 9 दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया, तो y + 9 को बाहर निकाले, यहाँ y - 3 बचा। अब यहाँ से अलग अलग कर दीजिए, तो यहाँ y + 9 = 0 और एक आ जाएगा y - 3 = 0। y का मान एगो माइनस का 9 आ गया और एक आ गया आपका 3, इसलिए y का मान 2 हो गया, एक -9 हो गया और एक 3 हो गया। समझ गए, यही निकालना था आपको ना। चलिए अगला क्वेश्चन।